ग्यारह भैया जी हम चाहे हमने बहुत कितने का लोन हो? लोन सस्ता है 5 रुपया। 5 रुपया 10 रुपया। अरे दुकानदार का फोटो खींचे कि सामान का खाली फोटो खींचे? दोनों का। मोबाइल निकालो। गौरी का दर्शन होता है, इसमें देवी का दर्शन होता है। ज्यादा है बेटा, 10 मिनट ज्यादा हो। इतना ज्यादा दे दीजिए, हम दुकान जा रहे हैं। 510 515 ऊपर 5-6 रुपया हम भी जेब नहीं है। दे दिए ना, बस लाए नहीं। अरे ठीक है, हमारा वो दूसरा दे दिए ना, बोला सब नहीं दिए। नहीं नहीं मिलेंगे नहीं, इतना मिले लगा रखी दिए चार में पैसा की नहीं थोड़ी दिए। तेल मैं लगा अभी। देखिए आज नवरात्र का तीसरा दिन है, आज भगवती नवरात्र के तीसरे दिन आज भगवती चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियाँ हैं। भगवती चंद्रघंटा असुरों दैत्यों का संहार अपने घंटे के नाद यानी घंटे की ध्वनि के मात्र से करती हैं। और काशी के लोगों की विशेष मानता यह है कि यहाँ जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब किसी का अंतिम समय रहता है, तो भगवती चंद्रघंटा उनके कंठ में विराज के अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। और आज नवरात्र के तीसरे दिन भक्त बड़ी संख्या में आकर माँ का दर्शन करते हैं, नारियल प्रसाद चुनरी इत्यादि माता को अर्पण करते हैं और उनकी जैसी भी मनोकामना रहती है भगवती सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मैं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए माँ से प्रार्थना की हूँ कि भगवान हमारे एक परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखें, वृद्धि करें और सभी को मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी मनोकामना से मैं माँ का दर्शन करने आई हूँ और मैं 9 दिन का व्रत भी रहती हूँ। क्या महिमा होती है माता की?
माँ उनके मतलब दर्शन से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं माँ के सामने रखते हैं और वो सब पूरी करती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।